नमस्कार साथियों, आरडीटीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। चलिए देर ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप न्यूज़ में रोज़ देखते होंगे, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं भयंकर गर्मी पड़ रही है, और गर्मी भी उस रीजन में जहां हमेशा ठंडी का मौसम रहता है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूरोप में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच गया। गर्मी के कारण लोग कपड़े निकालकर सड़कों पर घूमते नजर आए। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट का प्लास्टिक पिघल गया। अकेले स्पेन में हीट वेव के चलते मात्र 10 दिन में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और अफ्रीका, जिसको भयंकर गर्मी के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक पर्टिकुलर रीजन में बर्फ जम गई। दोस्तों, ये आपको कुछ एबनॉर्मल सा नहीं लग रहा? दूसरी तरफ चीन में हुई बारिश और बाढ़ से इस बार पिछले 1000 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इंडिया में भी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, राजस्थान में बाढ़ देखने को मिली, तो कहीं सूखे से लोग परेशान हो गए। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रकृति के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए पूरा बीदर कंट्रोल्ड है। सन 1946 में अमेरिका के विंसेंट सेफर नाम के एक व्यक्ति ने क्लाउड सीडिंग करने का सफल प्रयास किया, जिसके बाद अमेरिका में 1947 में यूएस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कोलेबोरेशन से रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट सीरस चलाया गया, जिसके द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके बर्फीले तूफान बनाए गए। 13 अक्टूबर 1947 को अमेरिका में B-17 और B-29 एयरक्राफ्ट्स के जरिए बादलों में 82 किलो सूखा बर्फ मिलाकर हरिकेन की डायरेक्शन चेंज की गई। ये बात 75 साल पहले की है, जब मौसम को नियंत्रित किया जा चुका था, तो सोचिए अब टेक्नोलॉजी का लेवल क्या होगा। खैर, आगे चलते हैं। उसके बाद सन 1955 में यूएस में नेशनल हरिकेन रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे वैज्ञानिकों के द्वारा क्लाउड सीडिंग में बर्फ की जगह सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज किया जाने लगा। 1958 में तूफान डेजी में सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया गया। 16 सितंबर 1961 को तूफान एस्तेर में भी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया गया, जिसमें यूएस नेवी एयरक्राफ्ट के जरिए 8 सिलेंडर भरकर सिल्वर आयोडाइड मिलाया गया। और 1962 में प्रोजेक्ट स्टॉर्म फ्यूरी बनाकर लोगों को बाढ़, सूखा और तूफान से बचाने के नाम पर टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप किया गया। लेकिन 1967 से 1972 तक अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन पोपे चलाकर उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ वियतनाम में बाढ़ लाने और लैंडस्लाइड कराने के लिए किया गया। वियतनाम में हर उस क्षेत्र में बारिश और लैंडस्लाइड की गई जहां वियतनाम की सेना थी, ताकि बारिश और लैंडस्लाइड से सड़कें खराब हो जाएं और आर्मी टैंकर्स आगे न बढ़ सकें। आइए दूसरे प्रमाण की बात करते हैं। प्रोजेक्ट स्टॉर्म फ्यूरी के समय आने वाला तूफान बेतसी। हरिकेन बेतसी के आने से अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में भारी तबाही हुई, जिसके कारण लगभग $1 बिलियन का नुकसान हुआ। तब वहां की जनता ने प्रोजेक्ट स्टॉर्म फ्यूरी का विरोध किया। लगभग 2 महीने तक विरोध चला, लेकिन जनता को सिर्फ इतना कहकर शांत करा दिया गया कि बेतसी हमारे द्वारा नहीं लाया गया, बल्कि प्राकृतिक था। साथियों, आजकल टेक्नोलॉजी अत्यधिक विकसित हो चुकी है। अब बारिश कराने के लिए ड्रोन से बादलों में पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम कार्बाइड व यूरिया जैसे केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है। साथ ही ड्रोन के जरिए बादलों को करंट देकर भी बारिश करा दी जाती है। इस बार जो बारिश हुई है, उस पर यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में रिसर्च की और बताया कि बारिश का पानी पीने लायक नहीं है, इसमें वो सब केमिकल्स हैं जो आपको कैंसर कर सकते हैं। इसलिए साथियों, ये सारे विषय सोचने पर मजबूर करते हैं कि बाढ़ नेचुरल है या मैन मेड। कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, ठंड की जगह गर्मी है, गर्मी की जगह ठंड है, और साथ में आपको बीमार करने के लिए कैंसर कारक तत्व हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप सभी अवेयर रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जब तक आपके स्वास्थ्य को खराब नहीं किया जाएगा, तब तक मॉडर्ना, फाइजर, रोकेफेलर, रोथचाइल्ड जैसों को अमीर कैसे किया जाएगा। हम टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन साथियों, ऐसी टेक्नोलॉजी का कौन सा लाभ जिसने हमारा अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें। बाकी जुड़े रहें देश और दुनिया की जानकारी के लिए आरडीटीवी भारत के साथ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।